हेलो एवरीवन, आज मैंने इंडियन आउटफिट की ड्रेसेस स्टिच करवाई है, उनका मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। कुछ कॉम्बिनेशन किए हैं वो भी शेयर करूँगी, और किस स्टाइल्स में इनको स्टिच करवाया है वो भी। और इस पे गला है, ये गला है राउंड नेक का, गोल शेप में गला बनाया है, इस पे वर्क किया हुआ है फ्रंट की ओर। और ये इसकी स्लीव्स हैं, जो फुल स्लीव बाजू बनाई हुई है, इस पे भी ये वर्क बनाया हुआ है, मिरर प्लस थ्रेड का वर्क किया हुआ है इस पे। ये फुल स्लीव बाजू है, तो सारी बाजू पे, दोनों बाजुओं पे इसी स्टाइल से वर्क किया हुआ है गाइस। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वर्क का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोगों को, मैं वेट कर लेती हूँ। और ये फुल लेंथ का, इसको मैंने लॉन्ग जैसे कुर्ते होते हैं उतनी लेंथ का इसको स्टिच करवाया है कुर्ते को। ये इसका दुपट्टा है कॉम्बिनेशन यहाँ पे, ये स्टाइल से इसे स्टिच, और सिंपल सा कुर्ता रखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है कुर्ते में। और ये कुर्ते की जो बैक साइड है वो सिंपल है, और कहीं भी जो कुर्ता है, बाकी सारा कुर्ता सिंपल रखा हुआ है, वर्क वगैरह वगैरह नहीं है। डीप गले का शर्ट है, ये दुपट्टा है, दुपट्टे में मुकेश का जो दुपट्टे आता है वो वाला है, स्पून का दुपट्टा है। और सिंपल, इसको भी सिंपल रखा हुआ है, कुछ अगर वगैरह लेसेस अगर वगैरह कुछ नहीं लगाया। ये इसकी बॉटम, ये इसकी पजामी है, जो काफ़ी सारे सलवटों वाली होती है, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वर्ड्स होते हैं, तो वैसे हम पजामी बोलते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर वह सिंपल, सब कुछ सिंपल सिंपल रखा हुआ है। ये अपना सेकेंड आउटफिट, और इसका कॉम्बिनेशन भी सिंपल सा है, नॉर्मल वे डेली वेयर में भी पहन सकते हो बाहर की ओर भी, और कैजुअल में भी पहन सकते हो। ये सिंपल रखा हुआ इसका, और ये डीप गला था इसका, और हाफ स्लीव बाजू है इसमें, थोड़ा सा ना ब्रोकेड स्टाइल का है स्टफ़ जो है, ब्रोकेड शाइनी शाइनी वाला, मतलब वो वाला स्टफ़ है इसका। और इसमें इतना ये फ्लेयरे बने हुए हैं ताकि ये फुल अच्छे से लगे, कैरी किया हुआ अच्छा लगे वेयर किया हुआ अपने। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे को भी लेसेस वगैरह कुछ नहीं लगाई ताकि सिंपल प्यारा लगे। ये भी स्पून का, स्पून बोलते हैं, सेमी कुछ नहीं है, प्योर स्पून का दुपट्टा है। ये इसकी बॉटम है और सलवार जैसे, आगे आपको पहन के दिखाती हूँ। ये अपना नेक्स्ट आउटफिट है, इसका कॉम्बिनेशन भी प्यारा सा सिंपल, ये पर्पल कलर का शेड का शर्ट है, इस स्टाइल्स में इसका गला बना हुआ है, और गले के जो ये स्टफ़ है ये ब्रोकेट का है, ब्रोकेट के अंदर इस स्टाइल से ये फ्लावर बने हुए हैं सारा, मतलब जो इसकी बॉटम है वो भी। ये ड्रेसेस थोड़ी पार्टी वेयर लुक की है, ये इसकी पोनी बाजू है, इसके ये जो लेसेस नहीं लगाई हुई है, इसके साथ जो ब्रोकेट का ये शर्ट था इसके साथ ही ये स्टाइल से आया, आ गए ये पीछे, ये बाजू पे आ गया, ये नीचे जो घेरा होता है वहाँ पे ये स्टाइल से ये आ गया, इससे जैसे लेसेस लगी हुई फील होता है, बट ये लेसेस नहीं है, ब्रोकेट के अंदर ये शर्ट का आया था। और ये है प्यारा सा सिंपल, सिंपल नहीं बोल सकते, इसका दुपट्टा काफ़ी हैवी लुक वाला है, गोटापति का इस पर वर्क किया हुआ है सारे दुपट्टे में, ताकि ये थोड़ा हमें पार्टी वेयर लुक चाहिए ना, तो इसलिए ये सारा शर्ट, ये शर्ट और बॉटम और ये दुपट्टा, दुपट्टा हैवी इसलिए रखा है ताकि अपने को पार्टी वेयर लुक मिल सके। ये सारे दुपट्टे पे गोटापति का वर्क किया हुआ है इस स्टाइल में, देख लीजिए। और जो ये पर्पल जो लाइनिंग लगाई हुई है ताकि इससे अपने को शर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा आए, जैसे ये मैंने पर्पल लगी हुई इसकी वजह से ये लिया है ड्रेसेस को। ये इसका बॉटम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं सरारा, कुछ गरारा बोलते हैं, ये ऊपर की ओर इसमें इलास्टिक डला हुआ है, यहाँ पे इसके, यहाँ पे ये लेयर बनी हुई है इस स्टाइल्स में, ये देखो, ये इसका जो अस्तर बोलती हैं स्टफ़ थोड़ा लगाती है नीचे ताकि ये भी अच्छा लगे।
और फ्लफी लगे। और ये भी सेकंड फ्लेयर बनेगी इसमें, आपको मैं पहन के दिखाऊंगी तो पूरा पता चलेगा। और ये इसके गोल्डन जो ब्रोकेट है, तो इसकी वजह से हमने नीचे की तरफ ये गोल्डन पाइपिंग लगाई है ताकि और ये ज़्यादा ग्रेसफुल लगे।